इस बार मुख्य रूप से 15 जनवरी को मनाए जाने वाले मकर संक्रांति त्योहार को लेकर भागलपुर के बाजारों में गहमा गहमी तेज हो गई है। खासकर कतरनी चूरा की डिमांड बढ़ गई है। लोग दूर दूर से खरीदने आ रहे हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो खरीद कर दूर रह रहे अपने अपनों के लिए यहाँ से कुरियर के माध्यम से चूरा भेज रहे हैं। इस वर्ष कतरनी चूरा का जो दाम है वो 90 से 110 रुपए किलो, मालभोग कतरनी का 100 से 120 रुपए किलो बेचा जा रहा है। पिछले वर्ष से 20 से 30 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। कतरनी चूरा के दीवाने देश भर में हैं। हर वर्ष यहाँ का कतरनी चूरा मकर संक्रांति से पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य को भेजा जाता है। इस मौके पर कतरनी चूरा के जो विक्रेता हैं उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। क्या है रेट अभी चूरा का? अभी चूरा का रेट 120 रुपया शुद्ध कतरनी का होगा सर। बिक्री बहुत अच्छा हो रहा है सर, लेकिन जो मौसम का मार ऐसा चल रहा है सर, इस बार कतरनी धान का उपज बहुत कम हुआ है, इसलिए थोड़ा सा महंगा लग रहा है ग्राहक को। अभी 120 रुपया केजी है, पिछले साल 80 रुपया था, 80-90 रुपया कतरनी। मालभोग 130 रुपया किलो है, पिछले साल 110 रुपया किलो था। अभी बार महंगा है सर, इसलिए धान बहुत कम मात्रा में हुआ है जगदीशपुरी में। खरीदारी करने से दूर दूर देश से आते हैं, विदेश से भी आते हैं सर, विदेश से जाता है ज़्यादा। हम लोग यहाँ से कुरियर करते हैं, वहाँ मिल जाता है उन लोगों को चूरा जी, कुरियर भेजते हैं। 40 किलो 50 किलो ऐसे महंगा आता है सर, और 5-5 किलो बहुत ज़्यादा बिक्री। मकर संक्रांति में बिक्री ज़्यादा बढ़ जाता है सर। मेरा नाम हुआ सुभाष कुमार यादव। आपने चूरा विक्रेता को सुना, जिनका कहना है कि पिछले वर्ष से इस वर्ष जो चूरे के दाम में बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन फिर भी जो ग्राहक है वो उनकी भीड़ में कमी नहीं है और वो चूरा खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि भागलपुर के कचौड़ी गली में चूरा और तिलकुट का बाजार सज गया है। मकर संक्रांति से पूर्व से ही यहाँ तिलकुट की बिक्री होने लगती है। तरह तरह के तिलकुट, चीनी, गुड़, खासकर तिलकुट बिक रहे हैं। 220, 240 और 300 रुपए किलो तक की तिलकुट की बिक्री हो रही है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।